हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे बिना धूप में रखे नींबू के छिलके का खट्टा मीठा अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नींबू के छिलके का अचार बनाने के लिए हम 1 किलो नींबू लेंगे। नींबू हमारे ऐसे होने चाहिए कि इनका जो छिलका है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, जिससे ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें जो इसका जो रस है वो भी अच्छा निकलता है इनमें। और अभी मार्केट में काफ़ी बढ़िया नींबू आ रहे हैं, तो आपको आसानी से इस तरह के नींबू मिल जाएंगे। तो अब नींबू को हमने अच्छे से वॉश करके इसका पूरा पानी सुखा दिया था। अब इन्हें हम कट करेंगे। तो एक नींबू के मैं 4 पीस करूँगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा 6 पीस भी कर सकते हो, या फिर छोटे छोटे पीस भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसके 4 पीस ही रखूँगी, जिससे ये नींबू का अचार अच्छा बनेगा और दिखेगा भी अच्छा। और इस तरह से हम सारे नींबू के इस तरह से पीस कर लेंगे, एक में से 4-4। तो इस तरह से हमने सारे नींबू को काट लिया है। अब हम जो नींबू हैं, तो इनका जो नींबू का रस है, तो हम इसका 50% रस निकालेंगे, मतलब इसका आधा रस हम निकालेंगे और आधा रस हम नींबू के छिकल में ही रहने देंगे। और आप अगर चाहें तो इसका रस ना भी निकालें, लेकिन हम अगर इसका आधा रस निकाल लेते हैं तो हमें इसमें ज़्यादा शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा अचार काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम इसका 50% रस निकाल देंगे। देखिए, हमने इस तरह से इसमें आधा रस भरा हुआ है और आधा रस हमने निकाल दिया है। और इसकी जो नींबू की जो इसके दाने होते हैं, अंदर के बीज होते हैं, तो वो भी आराम से इसी में रस के साथ निकल गए हैं। अब जो हमने नींबू का रस निकाला है, तो इसमें से आधा रस हम निकाल लेंगे। लगभग 7 से 8 नींबू का रस के बराबर हम इसे निकाल लेंगे। और इस रस को हम बाद में जब हम जी छिकल का नींबू के छिकल का अचार बनाएंगे, तो इसमें यूज में लाएंगे, उसी में मिक्स करेंगे। तो इस तरह से छानने पर ये सारे दाने निकल जाते हैं। और अब जो हमारा रस और बचा हुआ है, तो इसे भी हम छान लेंगे और इसमें आधा 1/4 चम्मच हम इसमें सेंधा नमक मिला लेंगे। और इसे आप आराम से 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। और नींबू के रस को 5 से 6 महीने के लिए कैसे स्टोर करते हैं, तो आप मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी देख सकते हो, मैंने पहले इसे अपलोड की करके रखी हुई है। तरह से नींबू के रस को एक कांच के जार में भर के 5 से 6 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हो। जो ढोकले का सांचा होता है, तो उसकी हम एक प्लेट लेंगे, उस पर सारे नींबू के छिकल डाल देंगे। अब हमने पानी पहले ही से थोड़ा बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो पानी हमारा थोड़ा, देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसी पे ये प्लेट रख देंगे, जिससे हमारे ये ऊपर का जो छिलका है तो वो आराम से सॉफ्ट हो जाएगा और हमें इसमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आधा घंटे के लिए लो फ्लेम पर हम इसी तरह से इसे स्टीम होने देंगे, जब तक कि ये नींबू के छिलके सॉफ्ट ना हो जाएं। तो आइए देखिए, चेक कर लेते हैं हम इसे। तो देखिए, हमारे नींबू के छिलके बढ़िया तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए कितनी बढ़िया तरह से इनके हाथों से ही इनके जो नींबू के छिलके के टुकड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंस्टेंट अचार है, जो हम जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं। नींबू के छिलके का खट्टा मीठा चटपटा अचार बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब रखेंगे हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में आधा कटोरी हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल पहले हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, इसमें से थोड़ा धुआं निकलने लगे, फिर इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। मीडियम ठंडा होने के बाद इसमें 1/4 चम्मच हम हींग डालेंगे, 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम अजवाइन, 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम कलौंजी और 2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऑयल में मिक्स करने से ये नींबू में अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए आप ज़्यादातर तेल में ही हल्दी पाउडर को डालें। अब इसमें नींबू के छिलके को हम मिक्स कर देंगे और इन सबको बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे नींबू में हल्दी और ये जो ऑयल है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे काला नमक,
दो चम्मच डालेंगे सादा नमक, दो चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, चम्मच डालेंगे दरदरी की हुई सौंफ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे जो हमने निकाल के रखा था पहले ही से, इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब कर देंगे गैस को ऑफ। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, तो चीनी को हमने ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा पीस लिया था, तो इस तरह से पिसी हुई हम चीनी डालेंगे, दो कप डालेंगे। एक किलो नींबू है तो लगभग 300 ग्राम के करीब हम शक्कर डालेंगे, पिसी हुई शक्कर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा नींबू का अचार बन के तैयार है, कितना बढ़िया दिख रहा है नींबू का खट्टा मीठा इंस्टेंट अचार। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इस अचार के आगे आपको सभी अचार फीके लगेंगे। अगर आप इस अचार को 7 से 8 दिन बाद खाओगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि जो हमारे नींबू में वो मसाले और भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो आप भी एक बार इस तरह से अचार बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।